सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये समय जो पक्का किया है ना, इस पर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए। कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो। सुबह जो नियम है जूस पीने का, वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का, और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया। मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई, जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही। लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया, सुबह जूस पीना, रात को दूध पीना, दोपहर को ताक पीना, उनकी बीमारी 6-7 दिन में जड़मूल से चली गई और आज तक स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त। तो आप भी इसका ध्यान रखना। सुबह का नाश्ता, उसके बाद जूस पी सकते हैं, संतरे का रस, मौसमी का रस, ऊस का रस, आम का रस, तरबूज का रस, खरबूज का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबह। और दोपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताक, और रात्रि को जो पिया है, खाना खाया है, उसके बाद दूध। इसको एक और समय के बाद, माने कल, मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि दूध और ताक और जूस, इनका समय क्यों निश्चित है। हमारे शरीर में तीन दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है, वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा, पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा, और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है, और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संडास नहीं होगी, और सुबह जिनको संडास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वाली। तो वायु का प्रकोप होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं, वायु है उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है, तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है, एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंदर चलता है, और अचानक से बारिश हो जाए, तो शांति आएगी कि नहीं। वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है, तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है, तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है, और दोपहर का समय क्या होता है, पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत दो वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है, एक तो गाय के घी में, और दूसरा दही की ताकत। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए, और रात का समय है वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, मशी के दूध में उतनी नहीं है। मशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है, तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में मशी के दूध की व्यवस्था नहीं है।
क्योंकि जिन लोगों ने आयुर्वेद के शास्त्र लिखे हैं किसी ने भी मछली पालन नहीं किया। चरक के पास गाय थी, सुश्रुत ने गाय पाली, भागवत के पास गाय थी, काश्यप ऋषि के पास गाय थी, गौतम ऋषि के पास गाय थी, सबने गौ पालन किया है, मछली पालन सिर्फ यमराज ने किया है और यमराज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, वो तो मृत्यु के देवता है। इसलिए जहां भी दूध की बात आएगी आप ध्यान देना वो गाय का ही दूध है, तो रात को पीना है वो गाय का दूध पीना है, मछी का नहीं पी लेना, नहीं तो मछी जैसे ही होने वाली है। हाँ, मछी कैसी है आप देख लो, फिर दूध पियो उसका। सड़क में मछी खड़ी है, सामने से ट्रक आएगा, पीछे से बस आएगी, दोनों हॉर्न बजाएंगे, मछी हटेगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी। बस हटेगी, ट्रक हटेगा, मछी नहीं हटेगी, वहीं खड़ी रहेगी। क्यों? उसको अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि मछी का दूध वैसा, बिना अक्ल बिना बुद्धि का। और आप ध्यान दे दो, कहीं कीचड़ है, गंदगी है, मछी उसी में घुस जाएगी और घुस के आराम से बैठ जाएगी, फिर डंडे मारोगे तो भी नहीं निकलेगी, कीचड़ में ही घुस जाएगी। मछी को कभी भी आप देखो वो अपने बच्चे को नहीं पहचानते। मैंने एक बार एक परीक्षण किया, 10 मछी खड़ी थी, एक बेटा था मछी का बच्चा, वो 10 को घूमता ही रहा, अपनी आई को नहीं पहचान पाया और उसकी आई भी उसको नहीं पहचान पाई। फिर क्या हुआ, दूर एक 11वीं मछी पर खड़ी थी, वो उसके पास चला गया और वो मछी भी उसको ले गई अपने साथ। वो दोनों आई और बच्चे नहीं थे, लेकिन वो ले गई उसको अपने साथ। ऐसी मूर्ख है मछी। और मछी जो घर से निकल गई तो अपने से नहीं आती, पकड़ के लाना था, क्योंकि उसको समझता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता उसको, आई क्यू उसका बहुत लो है, तो पियो दूध उसका, ऐसे ही होने वाले हैं। मछी का बच्चा जन्म लेता है ना तो जमीन पे गिर जाता है, 4-6 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसू होता है। जो गाय के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही आधा घंटे में खड़ा हो जाता है, अगले आधे घंटे में जंपिंग शुरू कर देता है और 1 घंटे बाद रनिंग, पकड़ नहीं सकते आप उसको, इतनी उसमें चुस्ती और फुर्ती है। तो दूध माने गाय का, मछी का नहीं। तो आप बोलेंगे जी 40 गांव में तो मछी ही मछी है, तो मेरी आपको एक विनती है, जो 40 गांव में मछी आ सकती है तो गाय भी आ सकती है। आप बोलेंगे जी हमारा तो दूध का ही धंधा है, धंधा करो, अपने लिए गाय का दूध पियो रखो, धंधे के लिए मछी का। जो बंबई वाले हैं ना, पिलाओ इनको मछी का, पीने दो उनको, बंबई तो जाता है ना 40 गांव का दूध सारा, तो बंबई वालों को पीने दो मछी का, आप अपने घर के लिए गाय का दूध लाओ और गाय भी देशी गाय का लाओ। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं, पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है। ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटु का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध, दूध माने गाय का। अभी दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र ये है कि हम जब पानी पिए, 1.5 घंटे बाद पीना ये याद रखना, 1.5 तास बाद पीना, लेकिन पानी कैसे पीना है ये बहुत महत्व की बात है, पानी कैसे पीना है ये बहुत ही महत्व की बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं, एक गिलास पानी भरा, मुंह में लगाया, गट 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 उतार लिया, गिलास तभी वापस आता है जब पानी खत्म हो जाए, यही तरीका है ना सामान्य रूप से। कुछ लोग मुंह लगा के पीते हैं, कुछ ऐसे खोल के ऊपर से गिराते हैं, लेकिन पानी लगातार गटकते जाते हैं,
ये तरीका सबसे गलत है। अगर आप गटगट 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 लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में तीन रोग तो जरूर आने वाले हैं, अपेंडिसाइटिस, यहां पेट का दर्द, हर्निया, हर्निया आप सब समझते हैं, आंतों का उतरना, ये बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग के हर्निया है, हर्निया हर्निया, ये हर्निया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा घटक के एक साथ पानी पी जाते हैं। और तीसरा, थोड़ी उम्र के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल, विशेष रूप से ये पुरुषों में आती है, हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, हाइड्रोसिल पुरुषों की बीमारी है खास रूप से। तो हर्निया, हाइड्रोसिल और अपेंडिसाइटिस, ये तीन रोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा लोटा या गिलास पानी घटकते हैं। माने एक साथ पानी घटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है? पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में, उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाय पीते, जैसे आप कॉफी पीते और जैसे आप गर्म दूध पीते। चाय कैसे पीते हैं? सिप करके, एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सिप लिया, इस तरह से सिप सिप करके चाय पीते हैं। ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं। तो जैसे गर्म दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, पानी ऐसे ही पीना। एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे कि आप पानी पीने में बहुत समय जाएगा, जाने दीजिए, इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा। समय तो जाएगा, पैसे भी लेके जाएगा। हो सकता है 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े या 1 महीने रहना पड़े, तो पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा। तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है? सिप सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा पानी पीते हुए? वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पीते। कभी छोटे बच्चों को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो बहुत वैज्ञानिक है। वो क्या करते हैं? पानी लेते हैं, मुंह में भर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे, फिर मुंह में, कई बच्चों को मैंने देखा ऐसे करते। ये सबसे अच्छा तरीका पानी पीने, तरीका तो यही सबसे अच्छा है। पानी लीजिए, थोड़ी देर मुंह में उसको घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। क्यों घुमाना है? मुंह में लार जो है ना वो पानी के साथ मिले और शरीर में अंदर जाए। ध्यान हमेशा ये रखना है कि लार क्षारीय है, पेट में जो है वो अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलते रहे तो शरीर न्यूट्रल रहे। तो पानी के साथ जितनी जास्ती लार जाएगी उतना ही अम्ल के साथ उसका मिलन अच्छा होगा, शरीर में न्यूट्रलिटी आएगी। इसलिए पानी पीने का, एक बार मुंह में भरिए, थोड़ी देर उसको घुमाइए, लार उसमें मिले तब नीचे उतारिए, ये सबसे अच्छा तरीका। तो पानी भोजन के 1.5 तास बाद पीना पहला नियम, और पानी पीना है तो हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, एक साथ पूरा गट 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 नहीं उतारना।